एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं तमहो जिले की खबरें। पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। दमोह जिले की मलियाघाट चौकी के गांव में पदस्थ पटवारी के साथ स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई। मारपीट किए जाने के बाद पटवारी से अभद्र व्यवहार किया गया, अपशब्दों का प्रयोग किया गया, तो वहीं इसके बाद अब पटवारी संगठन लामबंद है और पटवारी संगठन के द्वारा एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को रखा गया है, कार्रवाई की मांग की है। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे पटवारी संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के न केवल ज्ञापन सौंपा गया बल्कि कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं पटवारी संघ के द्वारा इमलियाघाट चौकी में पटवारी के माध्यम से एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है और जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंप करके न्याय की मांग भी की गई है। क्या है पूरा मामला आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। मारपीट के अलावा सूचक अपमान साथ में शर्ट फाड़ी गई कल, इनको पर हमें लेने जा ले गए। अगर हम लोग अपनी अपनी अभिरक्षा में इनको ना लाते तो शायद इनके साथ रास्ते में भी खड़े नक्शे के साथ टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, नक्शे के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, जैसे अब काम करने में भी आने को परेशानी जाएगी। नक्शा अभी उपलब्ध नहीं रहेगा उस गाँव का। हाँ श्रीमान, जब भी मेरे संज्ञान में आया है, हाँ अभी मेरे संज्ञान में आया है, जो भी इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी प्रस्तावित की जाएगी। आदरणीय, आज दो बिंदुओं पर महत्वपूर्ण ज्ञापन है। पहला बिंदु शासन की योजनाओं का, जो हम रात दिन कार्य करते हैं उस कार्य के संदर्भ में है कि रात दिन कार्य करने के पश्चात भी हम लोगों को न्यायोचित हमारी मांगों का पूरा नहीं किया जाता है, तो उन मांगों के संदर्भ में एक ज्ञापन है। और दूसरा ज्ञापन हमारे पटवारी साथी श्री देवेंद्र जाटव जी हैं, उनके साथ दिनांक 7 सितंबर 2024 को उनके क्षेत्र हलका में एक अभद्रपूर्ण घटना हुई, उनसे मारपीट भी की गई, उनकी शर्ट फाड़ी गई, अभिलेख फाड़ा गया और साथ में उनको गाली गलौज की गई, जातिगत अपमानित किया गया। उसके संदर्भ में हम लोगों ने रिपोर्ट भी लगाई है। अब रिपोर्ट करना एक अलग विषय है, पर उस पर कड़ी कार्रवाई होने के लिए हम सब आज एकत्रित हुए हैं ताकि हमारे साथियों को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे और ऐसा कोई अच्छा वातावरण बन जाए, ऐसा माहौल बन जाए कि पटवारी और समस्त कर्मचारी सुरक्षित रहें। इसके लिए हम लोग आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हम लोगों की मांगें भी पूर्ण हों और साथ में हम लोगों को न्याय मिल सके। कहाँ की घटना और क्या घटना है? ये इमलियाघाट चौकी के पास हमारे पटवारी साथी हलके में पदस्थ हैं पौड़ी गाँव में, तो वहाँ पर एक सज्जन हैं, दो भाई थे, वो आए और उनके द्वारा इनके लिए कहा गया कि अभी सर्वेयरों की नियुक्ति हो रही है गिरदावरी कार्य के लिए। गिरदावरी से आशा यह है कि जो फसलें बोई जाती हैं उन बोई जाने वाली फसलों के लिए फोटो खींच के अपलोड किया जाता है, तो उसमें उनके कुछ नियुक्तियां होनी थी, मैंने हर पंचायत में हो रही हैं। उन नियुक्तियों में क्या हुआ है कि सर्वेयरों की नियुक्ति है तो शासन के माध्यम से होना है, परंतु मुख्यतः पटवारी को ही टारगेट किया जाता है। लोगों के मन में ये मानसिकता बन गई है कि इस नियुक्ति को का प्रभारी पटवारी ही है, तो उनके द्वारा ऐसा कहा गया कि आप हमारा करा दीजिए, आप हमारा करा दीजिए। अब चूंकि वो किसी अन्य गांव के थे, ये असमर्थ थे और इन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ इतना कर सकते कि आपका फार्म आगे बढ़ा पाएंगे। अब वहाँ हो ना हो, पर उनका ये आशय था कि नहीं, आप ही नियुक्ति कराइए, अगर आप नियुक्ति नहीं कराते हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी है, तो इन्होंने मना किया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने इनसे गाली गलौज की पहले, फिर मारपीट की, शर्ट फाड़ी, अभिलेख फाड़ा, सब कुछ मतलब जितनी अभद्रता हो सकती थी वह की और उसके पश्चात बेचारे फिर गए, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने के बाद आज
न्याय मांगने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं कि उन्हें कड़े से कड़ा दंड दिया जाए और हम सबको न्याय प्रदान किया जाए, भविष्य में सब कर्मचारियों की सुरक्षा हो ऐसा कोई प्रबंध भी किया जाए इन सब बिंदुओं को। सर मैं 7/9/2024 को अपने हलका में GT कार करने के लिए गया था। ADM महोदय और तहसीलदार महोदय के आदेश अनुसार वहाँ पर पहुँचा तो सर दो भाई हैं सर आरोपी राजेंद्र सोनकिया एवं शिव प्रसाद सोनकिया सर दोनों सर्वेयर की नियुक्ति के लिए सर मुझ पे दबाव बना रहे थे। सर जिस शासन स्तर की नियुक्ति है इसमें पटवारी का कोई लेना देना नहीं है। उनने कहा तुम्हारा नहीं हो तुमने नहीं किया सर, गाली गलौच करी सर, मारा पीटी करी सर, जाति सूचक सब और सर जो भी उनसे बना है सर सब किया सर। बड़ी मुश्किल से सर हमने FIR कराई सर और सर ये चीज़ है सर इसलिए आपके कपड़े फाड़ दिए। हाँ जी सर कपड़े भी फाड़ दिए थे और सर नक्शा भी फाड़ दिया है सब कुछ उनसे जो बना है सर। मेरी गाड़ी की चाबी भी वहीं पर मतलब निकाल ली थी, मोबाइल भी छुड़ा लिया था सर और सर गिरा भी दिया था सर और सर डंडे से भी मार दिया। हमला करने वाले कितने लोग जी? हमला करने वाले कितने सर? दो लोग थे सर। कैसे बचे सर? वो गांव के दो ग्रामीण जन थे तो उनने बीच बचारा करा सर इसलिए सर बच पाए। हाँ जी सर माँ सर ये सर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सर, यदि ऐसा नहीं होगा तो सर हम लोग कर्मचारी फील्ड पर जॉब करना मुश्किल हो जाएगी। महोदय जी मेरा नाम देवेंद्र जाटव, देवेंद्र कुमार जाटव सर, नरसिंहपुर जिला का रहने वाला हूँ, गाटर वाला तहसील सर, दमू में शक्ति नगर में निवास करता हूँ सर, पटवारी हल्का नंबर 87 सोहेला दमू तहसील।